नमस्कार भाइयों बहनों, मैं अमन अंसारी आप सभी लोगों का मुझसे शादी करोगे के एपिसोड 2 के रिव्यू में हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्या हो रहा है मेरा भाई, सिद्धार्थ शुक्ला इज बैक, वही स्टेज वही मंच पर जहाँ पे उन्होंने बिग बॉस 13 की जगमगाती हुई ट्रॉफी अपने हाथों में ली थी। ही इज बैक ऑन स्टेज। जहां पर सिद्धार्थ हो तो वहां पर शहनाज कैसे दूर रहती है। जिस तरह सिद्धार्थ को देख के एक छोटे बच्चे की तरह शहनाज गिल ने उसे गले लगा दिया, द सिडनाज इज बैक इन एक्शन। अगर वो कम नहीं पड़ा तो यहां पर स्टेज पर है गर्मी पूरा बढ़ाने के लिए नन अदर देन बिग बॉस 12 की कंटेस्टेंट्स अनूप जलोटा की स्पेशल मित्र थारू मथारू जसलीन मथारू ने आकर पूरी की पूरी गर्मी मचा दी। जब उन्होंने पारस छाबड़ा को कहा कि मुझे 500 कैलोरियां बर्न करनी है, एंड गाइस अगर उतना कम नहीं पड़ा तो हमारे स्टेज पर हमारी मन पसंदीदा एक्ट्रेस अभिनेत्री एंड के मोमो टूट गए रश्मि देसाई भी आई थी, जो कि काफी लॉस्ट लग रही थी। उनको लग रहा था कि वो वापस से बिग बॉस खेलने आई है, एंड उन्होंने माइक फिर से चोरी करके छुपा के लाया था। मनीष पॉल के वन लाइनर्स, सैटरडे सैटरडे वो वाला सिंगर, एंड एक और लड़की आई थी फ्लोरेसेंट कपड़े पहनकर जिसको पारस छावड़ी ने रिजेक्ट कर दिया। आज का एपिसोड हिलेरियस था, फैंटास्टिक था। सिद्धार्थ शुक्ला की एंट्री एंड एग्जिट जिस तरह से हुई, वापस से वो आए, ये सब ने आज काफी एंटरटेन किया। चले गए एपिसोड नंबर 2 मुझसे शादी करोगी, रिव्यू बिगिंस राइट नाउ। मनीष पॉल कहते हैं शहनाज गिल से, अरे यार आंखों पे पट्टी बांध ले, बहुत सारे लड़के आ रहे हैं इसमें तुझे किसी एक को सेलेक्ट करना होगा, अब आंखों में पट्टी तो इस कदर की थी। पहचाने कौन, नन अदर टुल्ली मटुल्ली मधुरिमा टुल्ली ऐसी आंखें थी शहनाज ने वो जो है अपने आंखों में बांध दिया। शहनाज कहती है, ओए मनीष इससे ना आंखों पे पट्टी नहीं ब्लाइंड फोल्ड कहते हैं। वेल फ्रेंड्स, यहां पर उन्होंने ब्लाइंड फोल्ड लगाया, सारे के सारे कंटेस्टेंट्स आते हैं। सिद्धार्थ शुक्ला लुकिंग एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, उन्होंने एक व्हाइट पजामा पहना था, कुर्ता था, ऊपर से ऑरेंज किनो कोट पहना हुआ था। गिल हाथ लगाती है, ओए इसके तो बाल ज्यादा है, एक बंदे के हाथ लगाती है गिल तो। मनीष पॉल कहता है, अरे तुमने इसको हाथ लगा दिया, अरे अरे अभी 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 है ना, इसने अपने नाक से हाथ डाल के अपने हिरम को हाथ मिलाया। गिल बोलती है, ओए सब क्या है, फिर वो हाथ लगाती है सिद्धार्थ शुक्ला के हाथों को, उनके मजबूत यू नो बाइसेप्स को टच करती है और कहती है, ओए ये तो मुझे सिद्धार्थ शुक्ला लग रहा है। मनीष बोलता है, वो क्यों आएगा यहाँ पे, हाँ कुछ भी बोल रही है। वेल फ्रेंड्स, जब वो पट्टी खोलती है तो उसके पीछे सिद्धार्थ शुक्ला खड़े रहता है छोटे बच्चे की तरह। वो जाकर सिद्धार्थ शुक्ला को इतने गस के हक करती है कि सारे के सारे जो सिडनास के मोमेंट्स थे वो वहां पर पीछे जो स्क्रीन लगा है वहां पर हमें दिखाए जाते हैं, एंड उनकी जो पूरी जर्नी है हमारे आंखों के सामने आती है। सिद्धार्थ शुक्ला शो से बाहर आने के बाद और हैंडसम लग रहे हैं, शहनाज हमको गले लिखती है तो और मजा आता है। बिग बॉस 13 के विनर सिद्धार्थ शुक्ला, सिड कहता है अरे सना कब फ्लिप मारेगी किसी को पता नहीं है, एंड सिड कहता है कि जो सबसे बड़ी क्वालिटी इस दूल्हे में होनी चाहिए वो ये है कि वो शहनाज को यहाँ झेल सकता है कि नहीं। वेल फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं ये सारे के सारे वापस से घर के अंदर जाने वाले, यानी कि आप ऐसा कह सकते हो कि बिग बॉस की वापस से शुरुआत होने वाली है, एंड इसके अंदर पारस का शादी होगा, शहनाज का शादी होगा, एंड सारे कंटेस्टेंट्स जैसे कल रोहन प्रीत आया था, उसके बाद यहाँ पर यू नो गिलरानी संजना गिलरानी लड़की आई थी, हीना लड़की आई थी, वो जो कॉमेडियन था बलजीत दलजीत जो भी उसका नाम वो आया था, एंड आज भी काफी सारे लोग आए, तो ये सब लोग जो है वो यहाँ पर घर के अंदर जाने वाले हैं, तो ये देखने में काफी इंटरेस्टिंग होगा कि घर के अंदर क्या होता है। वेल फ्रेंड्स, यहाँ पर सिड कहता है सना तो फ्लिप मारेगी उसे कोई जानता नहीं है, एंड सिड ने ये भी कहा कि शहनाज एक बहुत ही जेम ऑफ पर्सन है। सिद्धार्थ ने एक बहुत बड़ी बात कह दी, सिद्धार्थ ने कहा कि शहनाज आपके अंदर के वो बंदे को बाहर निकाल देगी, आपसे मिला देगी जिसको आप भी नहीं जानते कि वो आपके अंदर है, यानी कि आपके अंदर का जो बच्चा है जो इंसान है छुपा हुआ है गम में तकलीफ में, वो शहनाज बाहर निकाल देगी। शी गेट्स द बेस्ट आउट ऑफ यू, एंड यहाँ पे गिल कहती है
ओए शुक्ला, तू ही मेरे से शादी कर ले। सिद्धार्थ कहता है चलो चलो देखते हैं, अभी फिलहाल इसको शुरुआत करते हैं। सिद्ध कहता है मैंने एक झेलोमीटर लाया है, यानी कि जो कंटेस्टेंट आया है क्या मैं उसको झेल सकता हूँ नहीं झेल सकता हूँ मैं मार्किंग दूंगा। यानी पारस ताली बजाते हुए दिखाई देता है। सिद्धार्थ का जो आउटफिट था उसको डिजाइन किया है नितिन सिंह चौहान ने। एंड फिर गाइस यहाँ पर एंटर करते हैं इंदीप बख्शी। सैटरडे सैटरडे कर दिया कुड़ी। और पंपू और रोहन प्रिय, ऐसा लग रहा है पूरे कुंभ के मेले में दोनों बच्चे घूम गए थे ना। ओए मैं शहबाज पंपू, वो बोलेगा ओए मैं रोहन प्रीत रंपू। दोनों बैठ के ताली बजा रहे हैं, खूब हंस रहे बैठ के, उनको पूरा मजा आ रहा है। ऐसा लग रहा है वो गिल से शादी नहीं करने आया है, वो शहबाज को पटाने आया है, वो जो काफी हिलेरियस लग रहा था। पर यहाँ पर सब लोग गाना गाते हैं। पारस कहता है मस्त बंदा है यार, एकदम मर का मस्त बंदा है। हाँ वो कहते हैं यहाँ पर रोहन कहता है, ये रोहन शहनाज कहती है ओए तुझे क्यों सेलेक्ट करूं, मैं तो रोहन को सेलेक्ट किया है, वो भी तो सिंगर है। इंदीप कहता है हाँ वो सिंगर है लेकिन मुझे एंटरटेनमेंट ज्यादा पसंद है जो शहनाज के अंदर है। वो सिद्धार्थ को यहाँ पे कॉन्ग्रेट्स भी करता है बिग बॉस जीतने के लिए। एंड वो ये भी सिद्ध कहता है कि इंदर ग्रेट है, ये जो आया है सिंगर वो ग्रेट है लेकिन मेरे पास उसकी बहुत सारी तस्वीरें भी है। मतलब ये जो बंदा आया सिंगर उसने बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन फैंटास्टिक किया है, पहले तो मोटा ऐसा था एकदम पतला बॉडी बिल्डर बन गया है। शहनाज कहती है ओए ये फोटो तूने एडिट तो नहीं की है। सिद्धार्थ कहता है नहीं, ये बंदा काफी पैशनेट लग रहा है। एंड सिद्धार्थ उसे 8 out of 10 marks देता है। गिल कहती है ओए सिद्धार्थ मुझे पप्पी दे दे। एंड सिद्धार्थ वापस से शुरू हो जाता है, वो उसको पप्पी देती है, उसको पप्पी देता है। गिल बोलती है ओए चलो शर्ट उतार और जैकेट उतारो। बोलते नहीं नहीं शर्ट नहीं उतार सकता हूँ, घर के अंदर जाऊंगा तो शर्ट उतारूंगा। शहनाज बोलती ओए मुझे ऐसे लोग नहीं पसंद ज्यादा नाटक करते हैं, शर्ट उतार वरना मम्मी के पास जा। अब गिल बोलती है ज्यादा मत बोल हाँ। एंड वो शर्ट उतारता है, मतलब इतनी दिखाता है खाली जैकेट उतारता है। एंड गिल बोलती है ओए पंपू इधर आ जा। एंड फिर आते हैं नन शहबाज बदेशा। शहबाज बदेशा आते हैं यहाँ पर, मस्त शर्ट पहन के आता है। पंपू बोलता अरे इसकी तो हाइट मेरे से छोटी है लेकिन मेरा पेट तेरे से बड़ा है। और पंपू मतलब पेट पकड़ के ऐसा डांस करता है, बोलता है देख तेरा तो पेट नहीं है मेरा तो पेट है, मैं पेट पकड़ के नाचूंगा। वो काफी हिलेरियस था, वो सेलेक्ट हो जाता है। एंड वापस से शहनाज जाते जाते कुर्सी पे बैठने जाती है, सिद्धार्थ को वापस वो पप्पी दे देती है। काफी हिलेरियस था। एंड सिद्धार्थ कहता है चलो दोस्तों अब मैं जा रहा हूँ, मुझे अपने दोस्तों से मिलना है। एंड सिद्धार्थ वहां पे चले जाता है। फिर एंटर होती है कि मोमो टूट गए। रश्मि ऐसा की एंट्री होती है, काफी अच्छी लगती है। मनीष कहता है आज क्या चोरी करके आए हो। मोमो कहती है माइक लेकर आई हूँ। मोमो यहाँ पे शहनाज गिरन पारा छाबड़ा को कॉन्ग्रेचुलेट करती है। एंड मोमो ये भी कहती है कि शो में पारस को इतना इम्पोर्टेंस नहीं मिला जितना उसकी मॉम की जो डायलॉग था, 36 आएंगे 36 जाएंगे लेकिन तेरी माँ तो मैं, तेरी माँ ने, अरे यार क्या बोल रहा हूँ, तेरी वाली तो मैं ही लाऊंगी। वो काफी अच्छा लगा गाइस। एंड रश्मि ऐसा ऐसा लग रहा था कि बिग बॉस अभी भी यहाँ पर चलते जा रहा है। वेल फ्रेंड्स यहाँ पर मोमो ये भी कहती है कि गिल तू यहाँ उदास होने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि तू यहाँ बोर नहीं होगी, तो तेरा दुखड़ा है वो सुनने वाले भी बहुत लोग होंगे। वेल फ्रेंड्स यहाँ पर मोमो ये भी कहती है कि मुझे ये शौक हो रहा है कि पारस यहाँ शादी कर रहा है लेकिन आंटी जी आके ही उनके लिए सेलेक्ट करेंगी। वेल फ्रेंड पारस यहाँ पे रश्मि से आके गले मिलता है। एंड मनीष कहता है अरे इतनी दोस्ती, ऐसा लग रहा है कि अब एक दूसरे को खंजर ना मार दें। फिर गाइस आवाज आती है पीछे से, एकदम सेंशुअस सी आवाज आती है। गिल बोलती है ओहे भूत आया मेरे को लग रहा है हाँ, रात अकेली है। पारस बोलता है क्या आवाज है, अबरा क्या आवाज है और क्या आवाज आती पीछे से। वेल फ्रेंड्स यहाँ पर एंट्री होती है बेब ऑफ द बेब्स सर जसलीन मथारो। ये बहुत हॉट थी वो टाइम पर बिग बॉस 12 में, एंड यहाँ पर भी वो कुछ कम नहीं लग रही थी। एंड गिल कहती है ओए परस जाके उसे गोदी में बिठा ले, जा 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 जा। पारस आता है क्या परफ्यूम लगाया है पापा जाके परफ्यूम सूंघता है जसलीन का, काफी हिलेरियस लगता है। गिल कहती है ओए परफ्यूम ना सूंघी, हील पड़ेगी संस्कारी सुधर जा तू। पास कहता है शी इज हॉट एज हेल हाँ। मोमो कहती है हाँ यार तुम दोनों की जोड़ी है ना काफी अच्छी लग रही है। एंड जस्टिन कहती है मुझे पारस इसीलिए पसंद है क्योंकि अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करता है, काफी ब्लंट है। फिर गाने पर डांस होता है आहू ना गले लगाहू ना, फुल गर्मी बढ़ जाती है ना, मिडनाइट मसाला शो लगता है। एंड यहाँ पर गिल जो रहती है वो कहती है ओए संजना, यानी कि कभी संजना गलरानी आई थी पहली वाली बंदी, वो बोलती है
क्या बोलना चाहती हो? अभी गलरानी की फूल जल जाती है, बोलती है अरे थोड़ा कंट्रोल कर लो यार, टेलीविजन है। मनीष बोलता है इस पारस तेरे में भी वैसी खुशबू आ रही है जो जसलीन मथारू में आ रही है। वह पंपू और रोहन फूल इंजॉय कर रहे हैं। हाँ, या पंपू और रंपू दोनों हाथ मिला रहे एक दूसरे से बैठकर। वहां पे जसलीन कहती है मुझे 500 कैलोरीज बर्न करनी है, और या के पारस को पप्पी दे देती है। रोहन कहता है नहीं नहीं गलत जा रहे है तू, नहीं सही नहीं। गिल बोलती है ओए रोहन तुम मुझसे शादी करने आया, उससे शादी करने आया। मनीष कहता है यह रोहन प्रीत के प्रीत कुछ अलग जा रही है। फिर आता है कॉमेडियन, वो बुड्ढा बन के आता है। हाँ वो बोलता है मेरा मुंह पौए जैसा है। शहनाज बोलती है पौए तेरा मुंह कौए जैसा है। वो कहता है कि अब मैं जब तुमको हिंदी में बोलूंगा वो तुमको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना पड़ेगा। फुल शहनाज गिल ने क्या इंग्लिश बोलती है, कहावत है नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा क्या। गिल बोलती है ओए गेट आउट निकल जा। फिर बोलती है गिल ओके नंगा नकड़। पारस बोलता है अच्छा नेकेड नहीं है नकड़ है, ओके ओके। बोलती नहीं, गिल बोलती नंगा नकड़ हाँ नकड़ विल स्क्वीज ऑन दिस ओन। काफी हेरेस लगता है। अंकल कहता है यू नो एंकरों की जात ही है बीच में उंगली करने के लिए। हाँ फिर नेक्स्ट कहावत है एक की लग चुकी है एक की लगना तय है। गिल बोलती चल बाहर जा चल चल चल। वो बीच में आके बुड्ढा पका के सीरियसली बोलो को धक्का मार देता है। फिर आती है गाइस यहाँ पर नर्दन रितु जी। आपने जी के बारे में सुना होगा, बी के बारे में सुना होगा, इसका नाम है रितु जी। फ्लोरोसेंट ड्रेस पहन के आती है। तेरी मेरी कहानी है बारिशों का पानी। वो क्या बंदी थी, बहुत अच्छा गाई। लेकिन उसको पारस छावड़ा ने बोला मैं तीन लड़की को सेलेक्ट नहीं कर सकता, तीनों मिर्ची है, उसको वहां निकाल देता है। और फिर दशमी से कहती है चलो अब मैं जा रही हूँ बाहर, मुझे बहुत सारे मसलों को हैंडल करना है। और फिर ऐसे ही बिग बॉस के जितने कंटेस्टेंट्स हैं वो आते जाते रहेंगे। एंड गाइस यहाँ पर फिर से एक आदमी आता है औरत का कपड़ा पहनकर। एंड गाइस वो कहता है मैं हूँ वेडिंग प्लानर आबरा का डाबरा, बैठे बैठे बहुत सारे तू पैसे है छापरा, पारा छाबड़ा को बोलता है। एंड वो यहाँ पर चले जाता है। फिर आता है मयूर वर्मा, बहुत शरीफ लड़का है, शरीफ लौंडा, ओए मैं सख्त लौंडा हूँ एकदम शरीफ कहता है। एंड गिल कहती है ओए सिद्धार्थ। एंड वापस से सिद्धार्थ शुक्ला आता है। एंड वो कहती है मुझे यू नो क्यूट बच्चे काफी पसंद है। एंड वहां पे सिद्धार्थ आके कहता है कि ओके शरीफ तो लग रहा है ये, लेकिन एंटरटेन कर सकते हो कि नहीं, क्योंकि शहनाज को एंटरटेन करना बहुत पसंद है। हाँ यहाँ पर वो जो बंदा आया था माँ कसम, वो जैसे आया था उसके बाद जो क्या फ्लिप मारा है परफेक्ट, मयूर वर्मा से मयूरी वर्मा बन गया। शर्ट फाड़ दिया, शर्ट निकाल दिया, सिर्फ कॉलर बचा था, कच्छा निकाल दिया, चड्डी निकाल दिया उसने। एंड उस शहनाज के सामने खड़ा हो गया। शहनाज कहती है ओए अच्छा है लेकिन तेरी शॉर्ट्स है ना ग्रे कलर की होनी चाहिए थी। सिद्धार्थ बोलता है आई गुड 6 मीटर पर मैं इसे 5/10 मार्क्स देता हूँ। शहनाज कहती ओए मैं भी उससे 5 मार्क्स देती हूँ। एंड वो सेलेक्ट हो जाता है। सिद्धार्थ वापस से बाय बाय करके चले जाता है। फ्रेंड्स कल बहुत बड़ा झगड़ा होने वाला है। एंड वहां पर जो हीना जो कल लड़की आई थी मलाइका अरोड़ा की जैसी दिखती थी, छोड़ छाड़ के अपनी और उसकी और मथारू मथारू जसलीन मथारू, यहाँ पर हीना जसलीन को करते हुए दिखाई देगी के तुम्हारे जो दोस्त थे अनूप जलोटा उनका लोटा कहाँ गया, यानी कि वो कहाँ है, वो तो आपके बहुत अच्छे मित्र थे ना। हाँ उनके बीच में काफी ज्यादा पंगे होंगे, कहेंगे कि जलोटा के होते हुए आप यहाँ क्यों आए हो। फिर हम सब जानते हैं अनूप जलोटा उनको जैसे निकले थे जस्टिन को छोड़ दिए थे। लेट्स सी कल स्टेज पे क्या धमाका होता है, कॉमेडी होगा। एंड वापस से कंटेस्टेंट्स आते जाएंगे एंड शादी का सिलसिला आगे बढ़ता जाएगा। ओके गाइस आई होप आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। एपिसोड पसंद आया प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सी मी आमिर अंसारी साइनिंग ऑफ, यू गोना सी मी वेरी सून। टिल देन एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन, मुझसे शादी करोगे।